सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ही यूनिक सा स्टॉक लेके आ चुके हैं, जहां पर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके आप अच्छे खासे रिटर्न यहां से ले सकते हैं, जो हम आपको स्टॉक आज बताने जा रहे हैं। तब चलिए हम आपको बताते हैं कि स्टॉक का नाम क्या है, फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपको स्टॉक अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के स्टॉक के बारे में आगे भी आप जान सकें। सबसे पहले भैया इस स्टॉक के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं, 1,49,908 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये जो स्टॉक है बिल्कुल ही पेनी स्टॉक नहीं है, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में आप इस स्टॉक को देख सकते हैं पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं मिडली पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पर निगेटिव बिल्कुल ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप 1 ईयर का इसका रिटर्न भी देख सकते हैं, 119.53% है, और सेक्टर रिटर्न आप देख सकते हैं 72.5% है, और मार्केट रिटर्न आप देख सकते हैं 31.36% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब चलिए बात करते हैं इसका टेक्निकल के बारे में। तो आप टेक्निकल इसका देख सकते हैं, यहाँ पे मोमेंटम जो स्कोर है 100 में से 72.3 है, यानी कि 72.3% का इसका मोमेंटम स्कोर है, जो कि ये काफ़ी अच्छा है। और टेक्निकली यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश है, काफ़ी अच्छा ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन हम चार्ट पे चलेंगे, इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे भी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फंडामेंटल जो है ये भी काफ़ी बेस्ट यहाँ पे है, क्वालिटी आप देख सकते हैं एवरेज है, 5 में से 3 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इसका वैल्यूएशन देख सकते हैं भैया अट्रैक्टिव है, 5 में से 4 है, जो डायमंड है ना यहाँ पे देख सकते हैं 5 में से 4 है, जो कि काफ़ी बेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप इसका फाइनेंस ट्रेंड्स देख सकते हैं, जो कि वेरी पॉजिटिव है, 5 में से 4 है, ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेट कर रहा है कि भैया यहाँ पर जो स्टॉक है काफ़ी बुलिश है और काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप सेक्टर रिटर्न ये सब जो है देख ही लिए हैं। इसके बाद बात करते हैं इसका फंडामेंटल रेशियो का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल जो इसका रेशियो है ये भी काफ़ी अच्छा है, पी रेशियो देखिए काफ़ी तगड़ा है। इसके बाद यहाँ पे आरओई आप देख सकते हैं 10.92% का है, मतलब कि 92% का है, काफ़ी अच्छा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि भैया यहाँ पर जो स्टॉक है काफ़ी बेस्ट है। इस कंपनी पर मतलब कि इस स्टॉक में किसी भी प्रकार का कर्ज भी नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर बेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक काफ़ी मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अब इसका बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, कि मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 58.13% जो है प्रमोटर्स इसमें है, यहाँ पे 13.02% FIDI, मतलब कि बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे पैसा को लगाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी स्टॉक पैसा को लगाता है, जो ये कंपनी है म्यूचुअल फंड में भी पैसा को लगाता है। तो यहाँ से देखिए मतलब जो कंपनी है मल्टीपल मतलब कि चीज़ों में पैसा को लगाता है। यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस कैंपेन्स है, मतलब कि लोगों को इंश्योरेंस कैंपेन्स में भी स्टॉक पैसा लगाता है, तो भी यहाँ से काफ़ी तगड़ा मतलब कि इंडिकेट कर रहा है भैया कि जो कंपनी है मतलब फैला हुआ कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, कोई छोटा कंपनी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर पैसा को मतलब कि लगाते हैं, तो स्टॉक काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग है ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेट कर रहा है कि भैया जो स्टॉक है काफ़ी बेस्ट है। अब ये सब तो आप देख लिए कि भैया फंडामेंटल भी सही है, स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, लेकिन स्टॉक का नाम क्या है। तब चलिए हम आपको स्टॉक का नाम बताते हैं। तो स्टॉक का नाम के लिए दोस्त हम सीधे आ जाते हैं अपने डीमैट में, और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे स्टॉक का जो नाम है मदर्स, इस तरह से हम टाइप कर लेते हैं, मदर्स सन इस तरह से हम टाइप कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक का जो नाम है मदर्स सन है। अभी जो स्टॉक से यहाँ पर आप देख सकते हैं NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, और इसका जो है ना ऑप्शन चेन भी है, मतलब कि इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब इसमें ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे हो रहा है, तो भैया ये प्रतिदिन स्टॉक कुछ ना कुछ मतलब कि या तो कॉल या तो पुट, मतलब कि या तो ऊपर या तो नीचे मार्केट है जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो फ़िलहाल मार्केट है 210.75 रुपया पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है, और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी इसका काफ़ी हाई होता है। देखिए हम आपको क्वांटिटी भी इसका दिखा देते हैं, 7100 क्वांटिटी है, अगर आप एक लोट भी यहाँ पे खरीदेंगे तो देख लीजिए कितना लगेगा, 59,995 रुपया लगेगा। प्लस में यहाँ पर इसका चार्ज भी हम आपको दिखा देते हैं कि अगर यहाँ पर ऑप्शन में आप बाई करेंगे तो इसका जो चार्ज है ना ये भी काफ़ी लगेगा, मतलब लगभग आप देख सकते हैं 50 रुपया बाई करने का और 50 रुपया सेल करने का, 100 रुपया आपका लगेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है, मतलब आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है, ठीक है ना। इसके लिए दोस्त आपको काफ़ी समय देना होगा, 3 साल 4 साल आपको इसे देना होगा, तभी यहाँ से आप पैसा बना पाएंगे। तो ऑप्शन आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इस शेयर को ही खरीदना है, जो स्टॉक है इसे ही बाई करना है।
तो हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर टाइप करते हैं और थोड़ा सा इसका हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नेट के इशू है, जिस वजह से यहाँ पे मतलब दूसरा स्टॉक खुल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए चेंज हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करेंगे, चलेंगे भैया मंथली पे देख लेते हैं। तो मंथली पर आप देख सकते हैं भैया ये बुलिश है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं वीकली पे, तो वीकली पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वीक, दो वीक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11 वीक, मतलब कि यहाँ पे 181 और 208 के बीच में ये मतलब स्टॉक रहा था। इसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो सीधे मतलब 8 से 16 तक गया है, मतलब कि ए वाला एरिया का ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिटेस्ट यहाँ पे फिर से नीचे करने आया और 208.9 पे रिटेस्ट किया। इसके बाद यहाँ से जब निकलेगा तो ये काफ़ी तगड़ा निकल सकता है। अब बात करते हैं कि आप एंट्री यहाँ पे कहाँ पे करेंगे। तो एंट्री देखिए दोस्त, हम आपको बताते हैं एंट्री आप कहाँ से कर सकते हैं इस स्टॉक को। सबसे पहले देखिए, अगर आप बिना रिस्क के स्टॉक में मतलब कि एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। इस एरिया के ऊपर आप कर सकते हैं, 216-17 है ना, इसके ऊपर आप करेंगे काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप इस एरिया से आप मतलब कि स्टॉक को बाई कर सकते हैं, और अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आंख बंद करके आप इस स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पैसा आपको बिल्कुल ही नहीं लगाना है, बस आप 2 से 4 हज़ार 10 हज़ार लगा के और 6 महीना 7 महीना देखिए, अगर आपको यहाँ पर लगता है कि भैया पैसा बन रहा है तब आप यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। और देखिए हम आपको इसका 1 साल का दिखा भी देते हैं। देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये देखिए 2024 में जो स्टॉक था, देखिए यहाँ पे ना 2024 हम आपको दिखाते हैं, अभी 2024 ही चल रहा है। देखिए 2024 1 जनवरी 2024 का इस स्टॉक का जो प्राइस था 101.20 रुपया था, और ये जनवरी में ही था। अब यहाँ पर अभी चल रहा है अक्टूबर, तो चलिए यहाँ पर हम अक्टूबर में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये अक्टूबर में ही देखिए, यहाँ पे सितंबर हो गया, ये अक्टूबर सितंबर में ये हार्डली गया है 216 रुपया, यानी कि 101 रुपया से सीधे गया है 216 रुपया, जो कि 8 से 9 मंथ के बीच में गया है, यानी कि मतलब 9 से 10 मंथ में पैसा डबल। अगर आप 100 रुपया में खरीदे होते तो सीधे 216 रुपया, यानी कि पैसा 9 मंथ में डबल हो गया। जो भी भाई लोग यहाँ पर खरीदे होंगे, जो 2024 का स्टार्टिंग मंथ में जनवरी में खरीदे होंगे, तो काफ़ी अच्छा भी प्रॉफिट में होंगे, उनका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका होगा। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा भाग रहा है, आप देख सकते हैं 1 ईयर में मतलब कि 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा पैसा बिल्कुल ही नहीं लगाना है। आप अपने इनकम के हिसाब से 5 हज़ार 10 हज़ार लगा के 6 मंथ 7 मंथ देखिए, अगर आपको यहाँ से रिटर्न अच्छे खासे मिलते हैं तब आप इसमें थोड़ा क्वान्टिटी बढ़ाकर आप लॉन्ग टर्म इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।